आज जिलाधिकारी कार्यालय में आए छात्रों ने बताया कि 2018 में हमारा एडमिशन DOTT कोर्स में हुआ था और यूनिवर्सिटी वालों ने बताया कि हमारे यहाँ यह कोर्स उपलब्ध है। एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर की फीस 2019 में जमा करा ली गई, कुछ को पास और कुछ की बैक लगा दी गई। छात्रों ने बताया कि हमसे बैक क्लियर कराने के लिए 5,000 रुपए लिए गए। कुल छात्र 29 हैं। यूनिवर्सिटी वाले आज हमसे दोबारा 2020 में फर्स्ट ईयर के पेपर करा रहे हैं और फीस सेकेंड ईयर की ली जा रही है। एग्जाम में सेकेंड ईयर के पेपर नहीं कराए जा रहे और SDM कार्यालय में मौजूद रहे मुख्तार आलम, अमरपाल, चिंटू, आदिल, जीशान, आदेश, इंतजार, इरफान, मुख्तियार ने बताया कि हम छात्रों को यूनिवर्सिटी वाले धमका रहे हैं, हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं। कि जिन बच्चों की पूर्ण रूप से जा चुकी है उसके बाद भी सेकेंड ईयर की फीस जमा कर रहे हैं। जब हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ भी तो हम सेकेंड ईयर की फीस क्यों जमा करें? एग्जाम कैसे करा देंगे? अब स्टेट फैकल्टी से एडमिट कार्ड में आया है, बता रहे हैं हमें स्टेट फैकल्टी से आया है, अब आज से एडमिट एग्जाम हो रही है। तो अब जो डीएम साहब सर, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। 2018 से 2020 आ चुका, हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ। सबसे मेन बात यह है कि जब 2018-19 में हमारा एडमिशन लिया था उस टाइम यूनिवर्सिटी ने स्टेट फैकल्टी से अनुमति क्यों नहीं ली थी? यूनिवर्सिटी ने अनुमति 2020 में ही क्यों ली? तुम्हें क्या बताया गया था जिस समय एडमिशन लिए? हमारी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है, आप एडमिशन लो, ये बताया गया। तो अब जो दोबारा, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है फर्स्ट ईयर हमारा बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उसके बाद भी सेकेंड ईयर की फीस दो। कम से कम फर्स्ट ईयर हमारा क्लियर होने दो, उसके बाद रिजल्ट ओपन होने दो, उसके बाद तो सेकेंड ईयर की फीस जमा करेंगे बच्चे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी करा रहे हैं और क्या चाहते हो? जांच क्या वो? सर हाँ, जांच होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स है भी या नहीं है, अनुमति मिली कम मिली? एडमिशन से पहले आपको नहीं बताया गया था कोर्स है? नहीं बताया था। कुछ बच्चे अब इस टाइम एग्जाम दे रहे हैं, अरे नो धमका के। मुख्तार आलम, मेरा नाम अमरपाल। सर हम वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में सन 2018 में हमारा एडमिशन करा लिया गया और सन 2000 हमसे फीस भी क्लियर करा ली गई और फर्स्ट ईयर की कौन सी फर्स्ट ईयर की हमसे कंप्लीट करा ली गई। सेकेंडरी की 30,000 रुपए सबमिट कर दिए जी। उसके बाद हमारे सन 2019 में फर्स्ट ईयर के पेपर करा दिए गए जो बाद में मेडिकल स्टेट फैकल्टी के मान्य नहीं माना नहीं माना गया और वो पेपर अब सन 2020 में दोबारा कराए जा रहे हैं। हमारी बैग भी दे दी, हमारी बैग दे दी, हमसे 5,000 रुपए वसूल कर लिए गए और हमने वो उनको सबमिट कर दिए। उसके बाद अब 2 साल का कोर्स है हमारा ये और 2 साल हमें हो चुके हैं और अभी हमारा फर्स्ट ईयर भी कम्प्लीट नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी OT के स्टूडेंट हैं हम। डिप्लोमा इन कहाँ पे है ये? स्टूडेंट ये गजरोला में जी, गजरोला में लगती है। आप क्या कह रहे हैं? ये अब ये करा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम करा रहे हैं, अब भी फर्स्ट ईयर के करा रहे हैं, दो साल बाद भी फर्स्ट ईयर के ही एग्जाम करा रहे हैं और सेकेंड ईयर की फीस जमा करवा ली गई इन लोगों ने, लेकिन हमारा फर्स्ट ईयर भी क्लियर अभी तक नहीं है। सेकेंड ईयर फीस जमा करने के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि इसकी जो है ये यूनिवर्सिटी की जांच की जाए और ये यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, है या नहीं है या हमें न्याय। तो आप SDM कार्यालय में जो आए हैं आज जी, तो क्या समझ कर आए? जी हम शिकायत करने के लिए आए हैं, करने के लिए बात रखने के लिए आए हैं कि इसकी जांच हो और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमारे 2 साल बर्बाद हो गए। ओके।